The following table gives lifetimes of 400 neon lamps. That is given in table, lifetime in hours and number of lamps. Represent the data, represent the given information with the help of histogram. वापस histogram plot करना है. So table में हम क्या find करेंगे? It's a continuous distribution. 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600. तो previous जैसे continuous में घुमाने की जरूरत नहीं. Previous में पहले non continuous था. 118 to 126. फिर 127 to 135. तो फिर हमें उसको किसमें convert करना पड़ा था? Continuous में. Okay? उसमें लिए उसके लिए हमने 0.5 ऐड किया था फॉर विच लिमिट अपर लिमिट और 0.5 कट किया था फॉर विच लिमिट लोअर लिमिट बट इसमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे इट्स एक ऑलरेडी कंटिन्यूअस वन तो 300 से लेके कहां तक है लाइफ टाइम 1000 सबसे पहले ग्राफ पेपर में हॉरिजॉन्टल लाइन चूज करेंगे ओके और वर्टिकल लाइन चलो यहां पे थोड़ा ब्रेक कर दे दे और यहां से स्टार्ट कर दे इट्स अ 300 400 500 600 700 800 900 एंड 1000 हो जाएगा ना दो दो छोड़ेंगे तो देन 400 देन 500 फिर एक छोड़ के फिर अगेन एक छोड़ के देन एंड द लास्ट वन इज क्लियर हुआ दिस इज नथिंग बट क्या हमने किया रिप्रेजेंट लाइफ टाइम इन आवर्स क्लियर दिस इज द रिप्रेजेंटेशन नाउ उसके बाद नंबर ऑफ लैंप्स जो कहां पे कौन से एक्सेस पे आएंगे नंबर ऑफ लैंप्स वाई एक्सिस पे आएंगे कहां से कितने हैं सबसे मिनिमम 14 एंड सबसे मैक्सिमम 86 तो 14 से ले लेते 10 और 86 से ले लेते 90 उसके आगे और 14 से कम 10 10 टू 90 का डेटा है तो एक काम करते हैं ना एक छोड़ के एक 10 रखेंगे तो भी हो जाएगा बात समझ में आई यहां पे 10 फिर मतलब दो के लिए 10 फिर 20 फिर 14 ओके सॉरी 30 30 के बाद 40 ओके 40 के बाद 50 के बाद 60 के बाद 70 के बाद 80 के बाद आगे लिखने की जरूरत है क्लियर हुआ दैट इज नंबर ऑफ लैंप्स जस्ट रिप्रेजेंट करें अभी 300 टू 400 में कितने 14 तो ये देखो 20 लाइंस है टोटल टोटल कितनी लाइन है 20 10 और 20 के बीच में और डिफरेंस है सिर्फ 10 का यानी कि एवरी टू लाइन वन नंबर बढ़ेगा एवरी टू लाइन कितना नंबर बढ़ेगा वन या तो फिर नंबर ऑफ लाइंस डिवाइड बाई डिफरेंस नंबर ऑफ लाइंस 20 छोड़े हमने 10 और 10 कितने लाइन छोड़े 20 और डिफरेंस कितना बन रहा है 10 एंड 20 के बीच में 10 तो 20 बाय 10 2 यानी कि 1 नंबर के लिए कितना इंक्रीज करना है लाइन 2 तो जैसे मैं 10 पे हूं 10 के बाद 1 के लिए 2 तो टोटल 14 पे जाना है ना तो 4 के लिए कितने होंगे लाइंस 8 कितने लाइंस हो गए 8 तो यहां पे टोटल 10 लाइंस होते इसमें 2 लाइन नीचे आना है आपको ना? तो अच्छे से देखे तो ये रहा ये 10 था ओके सो 10 के बाद 8 लाइंस ले रहे हैं तो 2 लाइन नीचे आ जाओ इधर ये हो गया 1 एंड 2 लाइंस नीचे आए तो ये कितना रिप्रेजेंट हो गया 40 300 से लेके कहां तक 400 तक देन नेक्स्ट कितना रिप्रेजेंट करना है 56 56 यानी 60 में कितना कम है 4 कम है तो एक लाइन एक नंबर के लिए 2 लाइंस ले देते तो 4 के लिए कितने लेंगे 8 लेंगे 8 लाइन नीचे आना है कहां आना है नीचे या तो फिर
सिक्स के लिए 12 अप जाना है, तो 50 के बाद 12 अप जाना है, इधर ए वाले लाइन से स्टार्ट करना है और इस तक, तो 50 के बाद 12 अप जाओ, यानी 10 और 11 और दिस इज द 12, क्लियर? या तो फिर 8 नीचे आए या 12 अप गए, ये कितना नंबर होगा? 56। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है? तो 60 यहां पे ही आ जाएगा, नेक्स्ट टू के लिए 60। ओके, इट इज फॉर, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, तो वो किसके लिए है? 500 टू हाउ मच? 600। एरो देख के समझ सकते हो, आपको ग्राफ पेपर एक साथ पूरा दिखने वाला है, बट अभी मेरे लिए ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि मैं पूरा रिप्रेजेंट करूं। ओके, इतना करूं तो दिख सकता है। 500 टू 600 के लिए क्या आया? 60। फिर नेक्स्ट 600 टू 700 में 86, 700 टू 800 86, ये रहा 700 टू 800, यहाँ पे दिख रहा है, और ये रहा 80। तो हमें इस लाइन में ये रहा 700 टू 800, सॉरी 600 टू 700 था ना, 600 टू 700, तो ये रहा आपका 600 का लाइन, और ये रहा आपका कौन सा लाइन? 700 का, इसके बीच में लेना है, तो मैंने वो साइन कर लिया, उसके बीच में समझा दूं। 86 यानी अगेन 12 अप जाना है, तो 10 और ये आगे का दो लाइन हो गया 86। हर एक टू लाइन वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 20/10 टोटल, हमने यहां से लेके यहां तक 20 लाइंस का गैप लिया है, और नंबर कितना इंक्रीज हो रहा है? 10, तो 20/10 कितना हुआ? 2। इसलिए हर एक नंबर के लिए कितने लाइंस अब जाने हैं? 2। 86 के बाद कितने नंबर बढ़ने हैं? 6, तो एक के लिए 2 यानी 6 के लिए, तो मैं 80 का जो बेस लाइन था उसके ऊपर कितना जाऊंगा? 12। बात समझ में आई? नेक्स्ट आपको पूछा गया है 74 यानी 70 के ऊपर 4, तो एक के लिए 2, 4 के लिए कितना होगा? 8। ये 10 होते हैं ना, दो नीचे आ जाओ। ओके, दैट इज 74। नेक्स्ट, एक के लिए 2, 2 के लिए कितना होगा? 4, तो 60 के ऊपर कितना? यहां पर खत्म हुआ था, यहां से वो स्टार्ट होगा, 60 के ऊपर 4, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन एंड 4 लाइन, आया समझ में? मेरा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, आप अच्छे से स्केल रख के करना, दैट इज योर 62। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया? 48 यानी 50 में 2 कम, एक के लिए 2 लाइन होती है, तो 2 के लिए, तो 50 में से 4 नीचे आने का, ये लास्ट वाला यहां से लेके यहां तक, अब 50 में से 4 नीचे आने का, एक लाइन 2 लाइन 3 एंड 4, देखो 1 2 3 एंड हो गया, ये कितना हुआ? 50 में से 4 लाइन कम हुए, मतलब 48, कितना हुआ? 48। अब सारे लाइंस को ज्वाइंट करना है, जैसे कि इसको वर्टिकली ज्वाइन कर लो, इसको वर्टिकली ज्वाइन करो, फिर ये 56 को इधर से इधर ज्वाइन कर लो, ये 60 को इधर से नीचे ज्वाइन कर लो, ये कंटिन्यूअस आपको बार ग्राफ मिलेगा, एक के साथ एडजस्टेंट में बन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? हिस्टोग्राम और गिवन डेटा, आ गया समझ में? ऐसा दिखेगा फाइनली आपको ग्राफ, क्लियर? आप इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो, दैट इज स्केल ऑन वाई एक्सिस। क्या लिया था हमने? कितना सेंटीमीटर ऊपर गए थे? एक 1 और दूसरा 1, यानी कितना सेंटीमीटर उठा गए, ऊपर गए थे? 2 सेंटीमीटर। इक्वल्स टू कितने का डिफरेंस आया? 10 लैम्प्स, क्लियर? या तो फिर आप लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच लैम्प्स? 5 लैम्प्स, दैट इज ऑन वाई एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस अगर कोई डेटा होता है तो ठीक है, बट अभी के लिए आवर्स था, लाइफ आवर्स था ना, तो एक्स एक्सिस में हमने 2 सेंटीमीटर आगे गए तो कितना आवर्स आगे बढ़े? 300 टू 400, कितना आवर्स आगे बढ़े? 100। तो हम ऐसा लिख सकते हैं फॉर 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 आवर्स, या तो फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू
दोनों में से कोई एक लिख सकते हो जो इजीली आपको रीडेबल। बोलो कोई डाउट नहीं है ना। हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम मोर देन 700 हर्ट्ज। तो एक्चुअली उसी ग्राफ में से भी समझा सकते हो। और मोर देन 700 में कौन आएगा, 700 टू 800, 800 टू 900, 900 टू 1000, तो 74, 62 है। ये तीनों का समेशन करना है सेकंड क्वेश्चन के आंसर में। तीनों का समेशन कितना होगा, 2 एंड 8 10, 10 एंड 4 कैरी, 1 एंड 7 8, 8 एंड 6 14, 8 एंड 6 14, 14 एंड 4 184, कितना होगा 184 नंबर ऑफ लैंप्स। बोलो कोई डाउट। सेकंड क्वेश्चन ऑलवेज इजी रहेगा, वो सिर्फ कंप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है। मेन मार्क्स होते हैं हिस्टोग्राम बनाने के, इसके होते हैं हिस्टोग्राम बनाने के लिए, उस पर ध्यान देना। नाउ द फॉलोइंग टेबल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी भी दिया गया। रिप्रेजेंट्स द मार्क ऑफ स्टूडेंट्स बोथ ऑफ दिस बोथ सेक्शन ऑन अ विच ग्राफ, सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब क्या ड्रॉ करना है आपको, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमने सबसे पहले बार ग्राफ ड्रॉ किया था जिसमें दो कॉलम के बीच में सेपरेशन दिख रहा था, फिर हमने क्या ड्रॉ किया, हिस्टोग्राम ड्रॉ किया, देन अब हम क्या ड्रॉ करने वाले, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रॉम टू पॉलीगॉन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शन, हम दोनों सेक्शन का क्या करेंगे, परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो सबसे पहले पॉलीगॉन कैसे बनाना है वो समझते हैं। इसमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए क्लास मार्क फाइंड करना होता है। ओके, क्या फाइंड करना होता है, क्लास मार्क। तो व्हाट इज द क्लास मार्क, दैट इज ए 0 टू 10 का क्लास हुआ। ओके, उसका क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या होता है, यूएल अपर लिमिट जो सबसे बड़ा नंबर है कितना है 10, प्लस लोअर लिमिट कितना होता है जो लोअर नंबर है दैट इज 0, 0 बाय 2, 10 प्लस 0 बाय 2। तो एक आएगा आपका क्लास मार्क का कॉलम जो आपको इसके साथ ही बनाना है, और 0 10 का क्लास मार्क कितना हुआ 5। लाइकवाइज 10 और 20 में अपर लिमिट कितना होता है, और लोअर लिमिट जो बड़ा नंबर है वो अपर लिमिट, जो छोटा नंबर है वो लोअर लिमिट, 10 प्लस 20 30 बाय 2। ऐसा हर एक में करने की जरूरत नहीं है, यू कैन सी हियर कितने कितना नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें भी 10 10 इंक्रीज होगा, 25 35 45। इसमें भी सेक्शन बी में भी अगर आप क्लास मार्क फाइंड करोगे तो 5 15 25। ओके, क्लास मार्क सेम ही है क्योंकि क्लास दोनों के क्या हो गए, सेम। यहां तक कोई डाउट, ओके। तो अभी ये जो क्लास मार्क आपने बनाया ना, उसको आपको हॉरिजेंटल एक्सिस पे लेना है। कहां लेना है, हॉरिजेंटल एक्सिस। ओके, हमने ओरिजेंटल एक्सिस पे क्या लिया, वी हैव टू टेक व्हाट, क्लास मार्क। क्लास मार्क कितना है, कहां से स्टार्ट हो रहा है क्लास मार्क, तो 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 से लेके कहां तक है, तो अगर दो दो छोड़ के रखे 5 10 15। ओके, ध्यान दो। So, पहला 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 25 30 35 एंड 45। अगर हम सिंगल दो लाइन एक लाइन छोड़ के लेते ना तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, इसलिए फिर साथ में ले लिया, दैट इज द क्लास मार्क। दूसरा क्या बचा, फ्रीक्वेंसी। क्या बचा, फ्रीक्वेंसी, जो कौन से एक्सिस पे लेंगे, ओके, फ्रीक्वेंसी एफ कौन से एक्सिस पे लेना है, वाई एक्सिस पे लेना है। चलो, फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक है, फ्रीक्वेंसी कहां से कहां है, 3 से लेके 7
और इधर 1 से लेके मतलब 20 तक चल जाएगा. ओके तो 1 ए ओ हो गया आपका 0.2 3 4 5 6 7 8 9 ओके यहाँ पे एरो नहीं आएगा. इट्स अ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 याद तक क्लियर हो गया आया ना. अब देखो हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में इतना ही डिफरेंस. हिस्टोग्राम में हम क्या करते थे जो क्लास था उसको ले लेते थे 300 400 500 1500 600 ऐसा. और पॉलीगन में क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको क्लास मार्क और क्लास मार्क फाइंड करके लेना है. अब 5 के सामने क्या है पहले सेक्शन ए के लिए ही काम करते हैं. 5 के सामने 3 तो 5 के सामने 3 दिख रहा है दिस इज द पॉइंट 5 सामने 3 देन नेक्स्ट तो 15 के लिए ओके 15 के लिए कितना आएगा 9 तो ये रहा 15 का वर्टिकल लाइन और ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन. ये दोनों जहां पे मैच हो रहा है वहां पे क्या आएगा इजी रीडेबल रीडेबल है ना. ये 15 के लिए एरो देखते जाना है कौन सा नंबर आया 9 देन नेक्स्ट 25 के लिए 17 25 के लिए 17 नेक्स्ट लाइन छोड़ के आएगा ये जो लाइन है उसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ पे 25 होगा 25 के लिए कितना आएगा 17 देन नेक्स्ट वन 12 तो ए हो गया 25 फिर 30 ए 35 का लाइन है उसके लिए 12 आ गया 35 के लाइन में 12 देन नेक्स्ट वन 9 तो ए हो गया आपका किसका लाइन 35 फिर 40 का एंड देन 45 का उसके लिए कौन सा आएगा 9 नाउ क्लियरली देख सकते हो आप हो गया 45 के लिए 9 आ गया 35 के लिए 12 25 के लिए 17 15 के लिए 9 एंड 5 के लिए 3 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ना वो देखो ये 5 के बाद कितना है 5 के बाद 15 कितने आगे गए थे दो आगे गए थे 5 के बाद 5 एंड 5 के बाद 5 मतलब दो बार 5 5 शिफ्ट किया एक तो इधर लेफ्ट हैंड साइड एक बार 5 शिफ्ट करोगे तो 0 दूसरी बार शिफ्ट करोगे तो माइनस 5 एक पॉइंट यहां पे भी आएगा है ना. लिसन केयरफुली शांति से 5 के बाद इधर कितने पे आया था सेकंड पॉइंट 15 पे कितना ऐड किया था 10 मतलब 2 टाइम्स 5 5 ऐड किया था 10 ऐड किया था तो 10 सबट्रैक्ट करो तो कौन सा पॉइंट आएगा वापस से वैसे 45 के बाद 50 और 50 के बाद कौन आएगा तो 10 दो आगे जाएंगे तो 55 पे से अब आपको ज्वाइन कर देना है स्ट्रेट पेंसिल लेना है स्केल लेना है दो पॉइंट पे स्केल रखना है और पेंसिल से ज्वाइन करो इसको इसको स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करो सिंगल बाय सिंगल जैसे जैसे आया था फर्स्ट के बाद सेकंड सेकंड के बाद थर्ड इसको इधर मत ज्वाइन करना हाँ लाइन स्ट्रेट मतलब कि दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है डन ये दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ स्ट्रेट लाइन ये दो पॉइंट को स्ट्रेट करता हुआ स्ट्रेट लाइन ये दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ यहां से लेके यहां तक का स्ट्रेट लाइन ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सेक्शन ए के लिए हुआ किसके लिए हुआ सेक्शन ए. अब सेक्शन बी के पॉइंट को रिप्रेजेंट करें चलो सेक्शन बी में पहला कितना है 5 के लिए 5 मैं कलर चेंज कर देता हूं लेकिन आपको पैटर्न चेंज करना है जैसे इसमें डार्क लाइन आया ना उसमें हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया आपका 5 के लिए 5 नेक्स्ट 20 सेकंड लाइन में कितना है आपके पास 19 देन नेक्स्ट 15 इसमें कितना है 15 देन नेक्स्ट 10 इस लाइन में कितना है एंड देन नेक्स्ट 45 के लिए कितना है 55 इधर ही आएगा और माइनस 5 इधर ही आएगा. और आप तो पेंसिल से ड्रॉ करोगे इसलिए आप सेकंड टाइम किससे कैसी लाइन ड्रॉ करोगे डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे पहला पॉइंट ज्वाइन हो गया के पहले के बाद
सेकेंड को ज्वाइन करेंगे इसको इसके साथ, तो वो दोनों के बीच में स्केल रख के कैसे लाइन ज्वाइन करोगे? गॉट इट, स्ट्रेट लाइन, फिर इधर इसको इधर, ओके सॉरी, और फिर यहां पे ऐसे। तो ये जो ग्रीन कलर में है डॉटेड लाइन में, वो किसके लिए है? सेक्शन बी के लिए। और जो आपने ऐसे सॉलिड लाइन में ड्रॉ किया था वो किसके लिए? ए लिखना जरूरी है, नहीं तो वो समझ नहीं पाएंगे। ओके, इधर आप ऐसे भी बता सकते हो, सेक्शन ए और ए सेक्शन बी, क्लियर हुआ? फिर वाई एक्सिस पे आपका स्केल क्या था? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1। वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया था? फ्रीक्वेंसी, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। और एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया था? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 क्लास लेंथ। ओके, तो वो किसमें था? क्लास लेंथ किसमें मिलेगा? मार्क्स में, क्लास का ही क्लास लेंथ था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 मार्क्स। स्केल माप मतलब कि स्केल मेजरमेंट लिखना भी जरूरी है, तो ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। तो कितनी चीजें समझाई? स्केल मेजरमेंट समझा दिया, ग्राफ ड्रॉ करना समझा दिया, और ये जो अलग अलग सेक्शन के लिए एक ही ग्राफ में ड्रॉ किया तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन करना समझा दिया। बाकी सब ड्रॉ करोगे और ये नहीं होगा ये नहीं होगा तो हाफ हाफ मार्क्स जा सकते, इसलिए हमें कोई भी काम कच्चा नहीं छोड़ना, पूरा लिख देना, कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं है ना? अब इसमें क्या बोला है? रिप्रेजेंट दी स्टूडेंट रिप्रेजेंट दी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स बोथ दी सेक्शन सेम ग्राफ, सेम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। फ्रॉम दी पॉलीगन पॉलीगॉन कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शन, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस किसका है? जो पॉलीगॉन सबसे हाईएस्ट है, ऐसे पॉलीगॉन सेक्शन बी का। इन शॉर्ट, ऐसे पॉलीगॉन कहाँ देखे आपने? तो क्रिकेट में, क्रिकेट में आते हैं ना, दो इनिंग्स, एक इनिंग इंडिया की होती है, दूसरी इनिंग कोई भी पाकिस्तान की होती है, वट एवर जो भी कंट्री का होता है, वो दो कंट्री के जो अलग अलग टाइम बैटिंग आएगी तो दोनों का पॉलीगॉन आगे चढ़ता है, नंबर ऑफ आवर्स नीचे रहते हैं, मार्क उसमें कितने, यहाँ पे मार्क्स एग्जामिनेशन की बात करें तो कितने मार्क्स मिले वो, वहां पे रन कितने हैं, विकेट कहाँ पे गिरी, वो सब रिप्रेजेंटेशन किया जाता है थ्रू द पॉलीगॉन। क्लास लेंथ कितने का था? 10 का। क्लास लेंथ मतलब क्लास मार्क्स नहीं पूछा है, क्लास लेंथ मतलब व्हाट, दोनों के बीच में गैप कितना है? 10 का है। तो ये जैसे तू 5 के लिए 15, 15 के लिए 25 ऐसा आगे जा रहा था ना, आगे ना, तो ये 5 के पहले वाला कौन सा होगा? 10 माइनस 5 में 10 ऐड करेगा तब 5 आ गया ना, 5 में 10 ऐड किया तो 15, 15 में 10 ऐड किया तो 25, 25 में 10 ऐड किया तो 35, 35 में अब 45 में ऐड करेगा तो इसमें 0 है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, और इसमें भी 0, क्योंकि टोटल कितने स्टूडेंट्स थे कोई बोला नहीं है, बट ये सबका समेशन, तो 9 and 9 18, 18 and 12 30, 30 and 20 50, टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 50, जो तो इतने में ही खत्म हो गए ना, तो ऊपर कितना फ्रीक्वेंसी बचेगा? 0, और नीचे कितना फ्रीक्वेंसी बचेगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को क्लोज करना जरूरी है, इसलिए 0 0 पे टच करना पड़ेगा। समझ में आया? कितने का क्लास लेंथ था? 10 का, इसलिए 45 के बाद 50 पे टच नहीं किया, कहां पे टच करवाया? पहला गलती हम यहां पे ढूंढते हैं, कुछ बच्चों को इतना पता होता है कि 0 पे ले जाना है तो 45 के बाद सीधा कहां पे टच करवा देते, बट वो गलत है, कहां पे टच करवाना है? और 5 के आगे 0 पे नहीं, कहां पे ले जाना है आगे? माइनस पर, नेक्स्ट क्लास लाइन पे। आया समझ में? और एक प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। द रन स्कोर्ड बाय द टू टीम्स ए एंड बी, आ गया वो क्रिकेट वाला एग्जांपल, कितने बॉल्स में? 60 आर गिवन बिलो, 1 ओवर मतलब 60 बॉल्स, यानी 10 ओवर्स का ये ग्राफ है, 1 to 6 बॉल फर्स्ट ओवर, फिर 6 to 12, फिर 13 to 18, लाइकवाइज। रिप्रेजेंट डेटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन सेम ग्राफ बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट मेक्स द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस, क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है, देखो आप ऊपर वाले में कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल थी 0 to 10, फिर 10 से 20 ऐसा स्टार्ट था, तो इसको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस, वन पहले में से 0.5 कट करेंगे तो 0.5 और दूसरे में 0.5 ऐड करेंगे,
फिर माइनस नहीं है, इट्स अ डैश. चलो देन 18.5 फिर देन 48.5 54.5 54.5 60.5. क्लियर हुआ? लोअर लिमिट में से 0.5 कट करना है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है. उसके बाद क्लास मार्क क्या आएगा? क्लास मार्क, क्लास मार्क मतलब दोनों का समेशन डिवाइड बाय 2. तो 0.5 एंड 6.5 7.5 क्या आएगा? 6.5 उसमें 0.5 ऐड करो, 7 आएगा. क्या आएगा? 7. 7 डिवाइड बाय 2. अब कितने कितने का डिफरेंस हो रहा है? 6 का. देखो 0.5 में 6 ऐड करो, 6.5 में 6 ऐड करो, 12.5. डिफरेंस कितने का हो रहा है? 6 का. तो इसमें भी 6 ऐड कर देगा, 15.5 27.5 33.5 39.5. तो 6 ऐड किया ना, 39 में 6 ऐड करो, 45.5. गुड. क्लियर हुआ? सब में 6 ऐड करना है. 36 9 9 6 15 15 6 21 21 6 27 27 and 6 33 36 and 3 sorry 6 39 39 and 6 45 45 and 6 51 51 6 57. अब क्लियर? अब आपका न्यूमेरिकल रेडी हुआ फॉर ड्रॉइंग पर्पस. ओके, मैं यहाँ पे ड्रॉइंग नहीं समझा रहा हूँ, फटाफट समझा रहा हूँ इधर से ही. आप यहाँ पे क्या लोगे? सीएम क्लास मार्क. जो कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगा? 3.5 फिर 9.5 समथिंग आगे बढ़ेगा. आया ना? चलो नेक्स्ट. यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ रन्स. जो आप सीधा इसमें सिंपल है, इस बार 1 2 3 ऐसे करके चलते जाओ. कहाँ तक लिखो? 10 तक लिखो. यानी कि आप एक एक लाइन छोड़ के लिखोगे तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं है. ओके, फर्क कितना पड़ेगा? अगर आपने लाइन नहीं छोड़ी होगी तो ग्राफ अगर ऐसे है तो इतने में खत्म हो जाएगा. अगर आप लाइन छोड़ी होगी तो ग्राफ ऊपर तक जाएगा, तो फर्क पड़ेगा नहीं, बट दिखने में डिसेंट वही लगेगा एक लाइन छोड़ के करना. तो यहाँ पे आ गया समझ में? आया ना? फिर ऐसे सर्वल जैसे अभी पॉइंट्स मिले थे वैसे पॉइंट्स मिलेगा, उसको ज्वाइन करोगे तो ऐसे पॉलीगॉन बनेगा, दूसरा एक पॉलीगॉन बनेगा. दो पॉलीगॉन को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? एक में डैश लाइन और दूसरे में डैश लाइन या तो फिर सॉलिड लाइन. सीधा लाइन खींचेंगे या तो फिर डैश लाइन खींचेंगे. क्लियर हुआ? आया ना? देन गलती से भी ब्लैक पेन या ब्लू पेन का कॉम्बिनेशन कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए चलेगा, बट वो हैबिट मत लगाना, क्योंकि जब बोर्ड में जाते हैं ना तो एक ही पेन यूज करने मिलते हैं, ब्लू पेन. बात समझ में आई? तो हाँ, आप अगर ज्यादा वेरिएशन करना चाहते हो तो एक ब्लू पेन से और एक पेंसिल से कर सकते हो, बट वो भी बहुत पक्के हो तब, क्योंकि हमारी फिगर्स में आपको पता है कि 10 बार तो आप रफ करना पड़ता है, तो फिर पेन से एक बार कर दिया तो रफ नहीं कर पाओगे. रफ पेपर स्कूल में कितनी बार देते हैं? क्लियर हुआ? तो वो ध्यान रखना. अभी इसमें एक और कंफ्यूजन रहेगा आपको, दैट इज आपका लास्ट पॉइंट है 3.5 और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है 57.5. तो उसके बाद कौन आएगा? 6 ऐड करो और इसमें से 6 कट करो, तो 3 कट करेंगे तो 0.5. ओके, 3.5 में से क्या करना है? कट 6 कट करना है, तो 5 में से 0 जाएगा तो 5, बट उल्टा करना पड़ेगा ना, 6.0 में से 3.5 कट करना पड़ेगा. तो ये 5 और ये 10, 10 में से 5 जाएगा तो, और 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो और ये माइनस 6 था तो -2.5. तो इसके आगे 3.5 के आगे ये 0 का लाइन होगा, 0 के आगे कौन सा नंबर लेना है आपको? वहां पे 0 करना है और ये 63.5 पे क्या करना है? 0, और पूरा ग्राफ ऐसे आएगा. क्लियर हुआ? ओके, आगे पीछे का पॉइंट्स चलो रिप्रेजेंट करना है, डेटा आ जाएगा. इसमें क्या बोला है? रैंडम सर्वे फॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलो. 1 to 2 नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है. ड्रो द हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो कंटिन्यूअस है, 1 to 2 2 to 3
तो इसमें तो सिंपल हो गया, आप यहाँ से नंबर वन से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, 70 नंबर आएगा। फिर यहाँ पे भी ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर है, 12, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चालू करेंगे कहाँ तक, 12 तक। फिर आप देखोगे 1 to 2 में कितने है, 5, तो आप 1 to 2 का लाएंगे, उसके आगे कितना आएगा, 5। फिर 2 to 3 में कितना है, तो ये 2 और 3, 2 to 3 में, 3 to 4 में, ओके। अभी देखो 3 to 4 नहीं है, सीधा कौन सा कहा है, 3 to 5 कितना है, 6, तो ये रहा 3 का 9 और ये 6। 3 से लेके कहाँ तक, कहाँ तक, 5 तक, ऐसे कॉलम मिलेंगे आपको। ये 3 to 5 वाला आपको थोड़ा विड्थ वाला मिलेगा, क्योंकि उसमें बीच में क्या स्किप कर दिया है, 4। 3 to 5 में 6, फिर 5 to 7 में अगेन 6 आएगा, फिर कौन आएगा, 7। 5 to 7 कितना दिया गया है, 12 सबसे बड़ा। फिर 7 to 10, 7 8 9 एंड देन 10, 7 to 10 में क्या आएगा, 9, तो 8 के बाद कौन आएगा, 9। क्लियर हुआ, इस तरह से हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, क्लियर। फिर 10 बताना है और फिर 4 बताना है। हंड्रेड्स सरनेम्स वेर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम द लोकल टेलीफोन डिक्शनरी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इन अ सरनेम वॉज फाउंड एज फॉलो। नंबर लेटर्स, जो सरनेम के लेटर्स हो वो 1 to 4 लेटर्स में सरनेम खत्म हो जाए, जैसे सोनी, SONI, 4 लेटर्स में खत्म हो गया। ऐसे कितने सरनेम्स थे, 6 थे, जिनका सरनेम 4 to 6 लेटर इन्वॉल्व होता है वैसे 30, ऐसे पूरा टेबल दिया गया। क्या ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम आएगा, आया ना, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है 1 to 4, 4 to 6, तो वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, और हिस्टोग्राम में क्लास मार्क की जरूरत रहती नहीं है। कहाँ पे क्लास मार्क फाइंड करना होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, किसमें क्लास मार्क चाहिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, और हिस्टोग्राम में कुछ नहीं चाहिए। सीधा यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे 1 फिर 2 फिर 4, ओके काम करोगे 0। हाँ ओके, 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6 ऐसे आगे बढ़ेंगे, दो दो लाइन छोड़ देंगे, या तो फिर सिंगल लाइन में 1, दो दो लाइन छोड़, लिसन, सिंगल लाइन में 1 2 3 भी लिख सकते हो, तो इटसेल्फ ये 2 लाइन के बराबर 2 हुआ। और यहाँ पे तुम्हें कहाँ से कहाँ तक लिमिट चाहिए, तो 0 भी चाहिए, क्योंकि 4 है, 4 के नजदीक 0 सबसे ज्यादा कौन सा है, तो 0 से 45 तक का करना है, तो एवरी लाइन में 5 ले लो, तो 9 लाइन तक जाएगा ना, तो एवरी लाइन में 5, मतलब 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20, उस तरह से सोनी 45 आ जाएगा, तो उसके नीचे वाला लाइन कितने का होगा, 44। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करना है, हिस्टोग्राम आ जाएगा, कंटिन्यूस कॉलम, राइट द क्लास इंटरवल इन अ विच मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाइज। मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम कहाँ पे है, 44 में, उसके लिए आपको आंसर में लिखना है 6 to 8, 44 नहीं लिखना है, क्योंकि आपको क्या पूछा है, क्लास इंटरवल पूछा है। क्लियर हुआ।